नमस्कार। रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे बिजी एक्ट्रेस में से एक हैं। फिलहाल उनके पास कई सारी फिल्में हैं और बैक टू बैक वो फिल्में साइन भी करते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुनने में आ रहा है कि रणबीर कपूर ने एक बड़ी फिल्म को करने से मना कर दिया है। बॉलीवुड में बायोपिक का फॉर्मूला अक्सर काम करता है, ऐसे में एक और बायोपिक लाइन में है और ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे सौरव गांगुली की जिंदगी पर होगी। जुलाई में खुद सौरव गांगुली ने ऐलान कर दिया था कि लव रंजन उन पर फिल्म बनाने जा रही है, जिसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि बंगाली एक्टर परमब्रता चटर्जी गांगुली का रोल करेंगे। लेकिन अब सामने आ रहा है कि मेकर्स ने रणबीर कपूर को रोल के लिए अप्रोच किया है। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया, लव रंजन जो कि फिलहाल रणबीर को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक्टर को सौरव गांगुली के बायोपिक के बारे में बताया था, लेकिन रणबीर ने कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्हें क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद है। बात रही परमब्रता चटर्जी की तो उनका तो जिक्र भी नहीं किया गया। प्रोड्यूसर्स पैन इंडिया इमेज वाले एक्टर को चाहते हैं। ये सरप्राइज कर देने वाला है कि परमब्रता ने कोई बयान जारी नहीं किया और वो अनचाही अटेंशन एंजॉय कर रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने सौरव गांगुली की बायोपिक में काम करने से मना कर दिया है। फिलहाल तो फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी काम ही हो रहा है। मेकर्स स्क्रीन प्ले पूरा करने के बाद ही कास्टिंग पर काम करेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही खबरें हैं कि रणबीर कपूर इस बड़ी बायोपिक में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब रणबीर कपूर के मना करने के बाद इस फिल्म से ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना समेत कई स्टार्स के नाम पर विचार किया जा रहा है। खैर, सौरभ गांगुली के रोल को बड़े पर्दे पर निभाने के लिए कौन राजी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चलिए आपको बताते हैं रणबीर की कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। रणबीर जल्द ही वाणी कपूर और संजय दत्त के साथ फिल्म शमशेरा में नजर आएंगे। रणबीर डकैत के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म के बाद रणबीर कपूर आलिया के साथ ब्रह्मास्त्र में दिखाई देंगे, जो कि एक साईफाई फिल्म है। इस फिल्म के अलावा वो लव रंजन की रोमांटिक फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ दिखाई देंगे। इसके अलावा एक्टर के पास एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म एनिमल भी है, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर और परिणीति चोपड़ा नजर आएंगे। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।